वेलकम टू माय चैनल जेएस मैथमेटिक्स एंड साइंस सोल। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लॉज ऑफ इंडिसेस, आज हम लोग इंडिसेस का जो लॉज है उसको देखेंगे ध्यानपूर्वक और इस प्रकार से दिमाग में बैठाएंगे कि उसको कभी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए हम लोग लेते हैं, जैसे देख रहे हैं x इंटू एक्स अप टू एन, मतलब x जो है इन x इंटू अप टू एन हो तो इसको हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x टू दी पावर n, जहाँ x जो है बेस कहलाएगा और n को हम लोग एक्सपोनेंट इंडेक्स और पावर कहते हैं। जैसे देख रहे हैं स्क्रीन पे, आज हम ये पहला लॉज लेते हैं जैसे x टू दी पावर n इंटू x टू दी पावर n, मतलब इंटू में हो दो एक्सपोनेंट तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बेस सेम हो तो पावर को प्लस कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के रूप में भी दिखाए हैं जिससे आपको क्लियर हो सके। चलिए नेक्स्ट, यही यदि बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो इन डिवाइड में हो तो हम लोग पावर को इंडेक्स को माइनस कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक्स टू दी पावर 8 डिवाइड बाई एक्स टू दी पावर 5, तो पावर क्या हो गया, माइनस हो गया, 8 - 5 मतलब 3। तो चलिए नेक्स्ट थर्ड लॉ देखते हैं, यहाँ पे एक्स टू दी पावर एन और होल पावर एन हो, ब्रेकेट हटाएंगे तो पावर क्या हो जाता है, इंटू हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम वाई स्क्वायर और उसका होल पावर 8 लिए हैं तो इंटू करने 16 हो गया। तो चलिए अभी नेक्स्ट हम लोग वी इंटू एक्स इंटू वाई होल पावर एम हो तो ब्रैकेट तोड़ देने से दोनों पे पावर चला जाता है, एक्स टू दी पावर एम और वाई टू दी पावर एम। ये नंबर लेके भी एग्जांपल हम दिखा दिए हैं, इसको देखिए। उसी तरह डिवाइड भी हो तो सेम, डिवाइड में भी ये क्या होता है, पावर न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर दोनों में चला जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लिए हैं हम, दोनों में ये पावर चला गया है, एक्स डिवाइड बाई होल पावर क्यूब तो ये दोनों में चला गया, ये प्लस और ये माइनस में ये पावर नहीं जाता है, ध्यान से इसको रखना है, ठीक है। अभी चलिए नेक्स्ट हम लोग लो लेते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि हम लोग उससे क्या सीख सकते हैं। इसको देखिए, इसको हम स्क्रीन बहुत देर तक रखे हुए हैं, इसका वजह ये है कि यहाँ पे लड़के जो है स्टूडेंट जो है गलती कर देते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग लो लेते हैं एक्स टू दी पावर जीरो, मतलब कोई भी नंबर का या पावर जीरो हो, जैसे 5 to the power 0 तो उसका वैल्यू जो है क्या हो जाता है, 1। जैसे एक्स टू दी पावर जीरो है तो उसका वैल्यू हम लोग क्या लिखे हैं, 1 लिखे हैं ना, इसको भी आप ध्यान से ब्रेन में बैठा लीजिए। वही एक्स टू दी पावर माइनस एन हो तो उस माइनस को हटाने के, नेगेटिव साइन को हटाने के लिए उसको हम लोग फ्रैक्शन लिखते हैं, 1/(x^n) हो जाता है। जैसे एक्स टू दी पावर माइनस 5 है तो 1/(x^5) हो गया। तो नेक्स्ट माइनस 1 हो तो सेम 1/(x) हो जाएगा, क्योंकि पावर 1 हम लिखते नहीं है। 4 to the power -1 तो क्या 1/4 हो जाएगा। इसको ब्रेन में अच्छी तरह से बैठा लीजिए, एग्जाम्पल के रूप में भी हम लिए हैं। और नेक्स्ट इस लेते हैं हम लोग √x मीन्स √x, तो ये रूट हटा देते हैं तो आपका पावर जो है क्या हो जाता है, 1/2 स्क्वायर रूट का, √3 इसका मतलब क्या हुआ, 3 to the power 1/2, ठीक है। इसको चलिए एग्जांपल लेते हैं स्क्वायर रूट 9, तो इसका हम लोग स्क्वायर रूट को लिखते हैं 1/2 इंडेक्स, और 9 को हम लोग 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, होल पावर 1/2 ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या होगा, पावर जो है इंडेक्स जो इनटू हो जाएगा, जैसे 3 हो गया। तो इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।